सो गाइज, वर्कशॉप का आज ये सेकेंड डे है और आज हम ट्राई करेंगे कुछ बेटर कर पाएं, कुछ एक अच्छा सीख पाएं। ठीक है, सो वैसे आज के लिए आप एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? वन बाय वन हैंड रेज करके एक बार मुझे जरूर बताएं, बोलकर माइक ऑन करके अपना। गौरव कुमार, अ प्रॉपर ऐप। ओके, सो प्रॉपर ऐप किस तरह का ऐप? मे बी कैन टेक सन इनपुट। ओके, और एनी अदर सजेशन? अ प्रॉपर आइडिया ऑफ एंड्रॉइड डेव, अदरवाइज आई नीड टू स्विच टू iOS डेवलपमेंट। ओके, सो आपकी प्रॉब्लम का भी समाधान करेंगे आज। और एटलीस्ट लर्न टू सिंपल मेक सिंपल कैलकुलेटर। यस, यही मैं सोच रहा था कि आज कैलकुलेटर वगैरह पर थोड़ा काम कराया जाए। और अभी है वेयर वी कैन अपलोड सम फाइल्स। ओके, सम मतलब गाइस, अगर मैं अपलोडिंग वाला कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो उसके लिए तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने ज़रूरी हैं। उसके लिए तकरीबन मैं मानता हूँ एक वीक की क्लास पूरी होनी ज़रूरी है कोर्सेज में, तो तब जाकर हम इस टॉपिक पर पहुँच सकते हैं अपलोडिंग सम फाइल्स तक। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ मतलब बेसिक्स भी नहीं था, मैं ये कहूँगा। क्योंकि गाइस, एंड्रॉयड काफ़ी वास्ट है और काफ़ी वाइड मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक्स हमारे क्लियर होने ज़रूरी हैं, हमारे लेआउट्स, विजिट्स और आपके टेक्स्ट व्यू, जितनी भी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपके इंटेंट वगैरह, सर्विसेज वगैरह, ये सारी जब तक चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हमें, तो तब तक एक मतलब काफ़ी बड़ा ऐप पर स्विच करना पॉसिबल नहीं होगा। बाकी मैं अभी एक आंसर करना चाहूँगा। अभी ये APSR किंग, अच्छा ओके, तो अ प्रॉपर आइडिया ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, अदरवाइज आई नीड टू स्विच टू iOS डेवलपमेंट। तो गाइज देखो, सीधी सी बात यह है कि अभी आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपके पास iOS मोबाइल होगा, ठीक है, या फिर आपके पास iOS लैपटॉप होगा, ठीक है, लेकिन आपके पास है, हर किसी के पास नहीं है। और इंडिया के अंदर और आउटसाइड भी इंडिया अगर मैं बात करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं एंड्रॉयड यूज़र हैं एज कम्पेयर टू iOS। तो इसलिए मैंने आप कल भी बताया था कि एंड्रॉयड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा है iOS की कंपैरिजन में। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे सैलरी वगैरह के लेकर, तो काफ़ी वहाँ पर आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार US में दिखाता हूँ। चलो, हालांकि इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया में थोड़ा मतलब यहाँ के जो डेवलपर्स को थोड़ा कम सैलरी मिलती है, कंपनी कम पे करती है, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट का अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो यार, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और मतलब सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पर, द एंट्री लेवल एंड्रॉइड डेवलपर सैलरी इन US इज $76,744 पर ईयर। ये एवरेज सैलरी है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके, सो आई थिंक अब विजिबल है। यस सर। ओके, सो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने सिर्फ नॉर्मल सर्च किया एंड्रॉइड डेवलपर सैलरी इन USA। सो यहां पर एक आर्टिकल मुझे मिल जाता है davisscalar.com का, द एंट्री लेवल एंड्रॉइड डेवलपर सैलरी इन US इज $76,744 ऑन एन एवरेज पर ईयर है। ये एंट्री लेवल एंड्रॉयड डेवलपर की मतलब जो बिल्कुल बिगिनर है, उसको कुछ सीखा थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करने के बाद ये उसकी सैलरी है, एक एवरेज सैलरी। और अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ा ये हो जाता है जूनियर एंड्रॉयड डेवलपर सैलरी, 72 में हो जाती है।
ओके सॉरी, यहाँ पर ये जूनियर सबसे मतलब लोवेस्ट दिखा रहे हैं कि जो एकदम बिल्कुल सीखने के बाद है, और एंट्री लेवल ही उसके बाद का है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके, अप्रोक्स कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट है, देख सकते हैं आप, आपको खुद ही दिख रहा है कि मतलब कितना ज्यादा अमाउंट है एक एंट्री लेवल डेवलपर के लिए। और सीनियर डेवलपर की अगर हम बात करते हैं उसकी तो आप देखना मत, देखो मैं दिखाता हूँ फिर भी आपको। वाइल द एवरेज सीनियर डेवलपर सैलरी दिस, यस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सैलरी है। सो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट का स्कोप खत्म नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर मैंने आपको बताया है कि एंड्रॉयड डेवलपर से ही है, डेवलपमेंट ही करता है और एंड्रॉयड ही यूजर ही हम। यस गौरव कुमार, आई गोना बी रिच। यस गाय, रिच हो सकते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज बात बताता हूँ, देखो जॉब करना तो अलग मैटर हो गया ठीक, लेकिन आज के टाइम में जैसे यूथ है, तो यूथ के लिए मैं चाहूंगा कि स्टार्टअप जो होती है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के वक्त में। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका आप एक सॉल्यूशन कर सकते हो, तो भाई रियली बता रहा हूँ कि यार आप मतलब मिलियन डॉलर का एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। ओयो, ओला, उबर, स्विगी, अपना रहनसाई की देख लो आप ठीक है। तो मतलब ये सारी क्या चीज़ है, क्योंकि एक स्टार्टअप को जो फेस देता है, एक फ्रेम जो करता है ना, वो मैं मानता हूँ एक एंड्रॉयड ऐप करता है। तो अगर आप अपने कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपसे अगर आता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, पढ़े ही आप अपना ऐप खुद नहीं बनाते, पढ़े आप डेवलपर से बनवाते हैं अपने नीचे हायर करके। लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है कि एक्चुअल में चीजें होती कैसे हैं, कि ताकि एक अच्छा प्रोडक्शन आप करा सको। इज दैट क्लियर? IITians इंटीग्रिटी, ओके। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। यस एस APSR किंग, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। द थिंग इज वी वुड नॉट बी गेटिंग जॉब डायरेक्टली इन USA, वी नीड टू वर्क इन इंडिया। यस ऑब्वियसली बात है गाइज, देखो अगर आपको फॉरेन जाना है ठीक है, या अब्रॉड जाना है जॉब्स वगैरह के लिए, तो आपको सबसे पहले इंडिया के अंदर जॉब करनी होगी। रीजन ये है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जब तक आपको चीजों का नहीं पता होगा, आपको एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तब तक आप बाहर कैसे काम कर पाओगे, और काम की बात भी छोड़ो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो फ्रेशर लेवल पर जॉब करो। दूसरी बात मैं तो यही कहूंगा कि यानी कि इंडिया के अंदर ही अपने सेटअप करो, अपने स्टार्टअप करो। मैं मतलब ये प्रेफर नहीं करता कि आप बाहर जाओ जॉब वगैरह के चक्कर में, लेकिन हाँ मैं प्रेफर करता हूँ कि जितने पैसे आपको बाहर मिलेंगे, सैलरी जितनी बाहर मिलेगी आपको, इतनी आप अगर इंडिया के अंदर, अगर आप मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हो, तो आप यहाँ पर उससे ज़्यादा कमा सकते हो और अपने कंट्री के लिए कुछ कर भी सकते हो ठीक है। सो बातें काफ़ी हो गई, और 40 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, और जो कोई आएगा उसे भी हम ज्वाइन करा लेंगे, कोई इशू नहीं है ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऐप को। सो गाइस सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आज हम बनाएंगे क्या। तो गाइज मैं चाह रहा हूँ कि हम एक सबसे पहले एक ऐप बनाए, कैलकुलेटर ऐप, कि जिसके अंदर नॉर्मल बिल्कुल सिंपल ऐप बनाए, कि जिसमें हमारे कुछ बटन्स हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, क्योंकि गाइज इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि अगर हम एक कंप्लीट पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर बना पाए, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझाने भी होते हैं और बताने भी होते हैं। और सपोज दैट मैं कोड करता चला गया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप वैल्यू गेट कैसे कर सकते हैं, इनपुट कैसे ले सकते हैं, प्रिंट कैसे करा सकते हैं, और लॉजिक्स कैसे लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टार्ट करें ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है,
एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना यहाँ पर। यहाँ पर सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पर मैं नेम दे दूंगा डे टू और कैलकुलेटर, ठीक है ओके। और यहाँ पर मैं कर दूंगा फिनिश सिंपली। गाइस ध्यान रखें आप इंटरनेट कनेक्शन अपना प्रॉपर रखें, क्योंकि गाइस प्रोजेक्ट क्रिएट होने में फिर प्रॉब्लम आती है। ओके सो ये हमारा प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट होने लग रहा है। जो आज वीडियो हम कोड करेंगे वो भी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, और इसकी भी रिकॉर्डिंग हम चैनल पर अपलोड कर देंगे शाम तक इसकी। अच्छा इतना प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, आप मुझे एक बात ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को जावा आती है, हाउ मेनी ऑफ यू नो जावा। ओके नो सर, जावा स्क्रिप्ट आती है। गाइस रिप्लाई मैं कहूंगा सभी आप रिप्लाई करें, तभी मैं आपको सॉल्यूशंस बता पाऊंगा। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता होगा, उन्होंने प्रोग्रामिंग की भी नहीं होगी, ठीक। लेकिन गाइस उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं और कैसे वो एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ जावा, आई नो सी प्लस प्लस, यस। अगर किसी पे और कोई सी प्रोग्रामिंग आती है तो बता सकता है। ओके सी सी प्लस प्लस काफी लोगों को आती है। ओके ठीक है कोई बात नहीं गाइस, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जस्ट लाइक आपको लूप्स वगैरह, लूप्स क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर की बात तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो गाइज आप इजीली काम कर सकते हैं। और दूसरी बात जावा की, सॉरी मैं एंड्रॉइड की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो एंड्रॉइड में जो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे जावा के, आपको सिर्फ कोर जावा यानी कि ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। आपको जरूरत नहीं कि आप एडवांस जावा सीखो, अगर आप पैरेलल भी करते रहो तो आप इजीली सीख जाओगे। बाकी जो गाइज हम आगे कोर्स लॉन्च करने वाले हैं उस कोर्स में हम कंप्लीट जावा को भी मतलब कवर करेंगे, कंप्लीट नहीं कह सकता, हम जितना भी पार्ट होता है एंड्रॉइड के अंदर यूज उतने जावा के पार्ट को हम कवर करेंगे। ओके सो अब हम अपना यूआई पार्ट डिजाइन कर लेते हैं। आई थिंक प्रोजेक्ट आप सभी का क्रिएट हो गया होगा। ओके okay.
सो ठीक है, अपना यहाँ पर यूआई तैयार करते हैं। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम बनाएंगे क्या। मैं यहाँ पर अपना एडोब एक्सडी खोल लेता हूँ और उसमें पहले हम यूआई को थोड़ा डिजाइन कर लेंगे। कोई नहीं यार, ये अपडेट लेने लग रहा है, इसे भी अपडेट अभी लेने, कोई बात नहीं, मैं आपको पेंट पर दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर मैं शेप लेता हूँ, जैसे सपोज दैट ये गाइज आपकी एक स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है दो टेक्स्ट फील्ड, यानी कि टेक्स्ट के लिए, कि जहां पर आप अपने कोई भी इनपुट टाइप करोगे। सेकंड, जहां पर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहां पर ये आपका हो जाएगा इनपुट और यहां पर आ जाएगा आपका रिजल्ट। और अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम बनाएंगे कुछ बटन्स अपने। कुछ इस तरह से, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर चार अपने बटन बनाएंगे और दो हम बनाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। क्लियर, तो अब हम यूआई स्टार्ट करते हैं। गाइस एक चीज और है, यहाँ पर आप अपना यूआई ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप के चक्कर में कभी ना बढ़े बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम ड्रैग एंड ड्रॉप में आप लगाते हो, उसकी सेटिंग करने में लगाते हो, इतना टाइम आप अपना कोड कर सकते हो और वही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। फॉन्ट साइज सभी को विजिबल है, थोड़ा बड़ा करूं इसे या इतना, आई थिंक काफी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं। आपको सिर्फ देखो सारा कोड गाइस कट नहीं करना है आज, मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा, आपको ये जो कॉन्स्टेंट लेआउट है इस लेआउट को हटा देना है। ठीक है, और यहां पर कर देना है सिर्फ लीनियर लेआउट। Thank you.
ठीक है, विड्थ आपको रखनी है मैच पेरेंट, हाइट भी आपको रखनी है मैच पेरेंट, क्योंकि हमें पूरा लेआउट चाहिए अपने कंप्लीट स्क्रीन पर, दैट क्लियर। ओरिएंटेशन यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, यहां पर ओरिएंटेशन हम कर देंगे वर्टिकल, ठीक है। अब फटाफट से आपको क्या करना है, टेक्स्ट व्यू सारा कट कर देना है यहां से, और सिंपली यहां पर एक टेक्स्ट व्यू बनाना है, सॉरी टेक्स्ट व्यू नहीं, एक बनाना है एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, ओके। यहां पर हम कर देंगे इसका मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ओके। यहां पर हम एक आइडिया साइन करेंगे इसको, गाइस ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी व्यू यानी कि एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू कुछ भी बनाओ, तो आपको एक व्यू असाइन, सॉरी एक आइडिया साइन जरूर करनी है, ठीक है। तो यहां पर आईडी लिखते हैं हम, आईडी लिखने के बाद यहां पर हमें सजेशन शो करेगा एट द रेट प्लस आईडी, और यहां पर आप आईडी वो ही दें कि जिस तरह का आपका टेक्स्ट व्यू है। तो पहले हमारा यहां पर होगा इनपुट के लिए, तो ईटी अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। मैं यहां पर ये नाम दे दूंगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद मैं यहां पर हिंट असाइन कर देता हूं, हिंट यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है गाइस कि जो कि आपके टेक्स्ट व्यू में ऊपर शो होगी, और जैसे आप टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करोगे तो वो एकदम अनविजिबल हो जाएगी। तो यहां पर हिंट, और हम कर देते हैं जैसे इनपुट हियर, ठीक है। और यहां पर एक प्रॉपर्टी हमें लगानी होगी, अगर देखो गाइस आपको ये चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट आ रहा है ऊपर, आपको चाहिए कि इनपुट आपका आ जाए राइट साइड में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी होगी ग्रेविटी की, और यहाँ पर आपको कर देना है एंड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपका इनपुट हियर है, देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो आपका इनपुट हियर लिखा हुआ है ये बिल्कुल मिला हुआ है स्क्रीन से, तो आपको थोड़े स्पेस देना है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की, पैडिंग राइट, और यहां पर हम कर देंगे 20 dB, ठीक है। तो यहां पर ही यह हमारा हो जाता है थोड़ा सा साइड में, यस। अमृता रोमानो एक कमेंट, सर आईडी जो मर्जी है दे सकते हैं या इसका भी कोई सिंटेक्स है? नहीं, जो आपकी मर्जी है आईडी वो आप असाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, लेकिन आप अगर आपको मतलब कोई बड़ा नेम है तो अंडरस्कोर लगाकर काम करें, वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, गाइस इतना हो चुका है सभी का, जो भी आपकी व्यूज है सबकी आईडी अलग अलग होगी। यहां पर हम कर देंगे ईटी रिजल्ट, अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखो स्टार्टिंग में हम लेंगे यूजर से एक इनपुट,
और जो हम इनपुट लेंगे उसका भी एक रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड हमने जो एडिट टेक्स्ट लिया है वो हमारा एक क्या होना चाहिए, वो एक टेक्स्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एडिट टेक्स्ट में क्या होता है हम इनपुट लेते हैं और टेक्स्ट में क्या होता है हम इनपुट प्रिंट कराते हैं या जो भी हमारा टेक्स्ट होता है। तो हम यहां पर कर देंगे टेक्स्ट व्यू। लैपटॉप मेरा अब थोड़ा हीट हो गया क्योंकि गाइस मैं इसे रात से यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप को, और मतलब ये नहीं पता चलता कि दिन में किस टाइम ओपन होता है और किस टाइम क्लोज होता है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है। ओके आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग भी ओपन नहीं की। ठीक है सो इतना का हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू बना लिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट, इनपुट ईयर की जगह हम लिखेंगे रिजल्ट। ओके टॉप का कोड एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है ओके सो यहां पर रिजल्ट हो गया हमारे टेक्स्ट व्यू। अब हम यहां पर क्या बनाना है, बटन बनाना है। एक चीज हम और कर लेते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसकी हम यहां पर हाइट इंक्रीज कर लेंगे या फिर हम टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका टेक्स्ट साइज। ATDP ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हम कर लेंगे 50DP। ठीक है काम करता हूँ, मैं ऐसे एंड्रॉइड स्टूडियो को अपना बंद कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लैग कर रहा है।
और मेरा सिस्टम भी हीट हो गया है इससे। मैं इसे दोबारा ओपन करूँगा इसी पर। गाइस अभी तक जितना मैंने किया था अभी तक ही कितने लोगों का हो चुका है? यस नेहुल, मेरा सिस्टम भी अभी लैग हो रहा है क्योंकि ये काफी हीट हो रहा था। और मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है ना मेरा रात से ओपन है सिस्टम, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा रहता है वीडियोस वगैरह में भी, वर्कशॉप्स वगैरह में भी, तो इसलिए ये सिस्टम की भी मतलब गलती कुछ नहीं है, तो हो जाता है ऐसे। आपसे मैं जितना कह रहा हूँ आप सिर्फ उतना काम करें। आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी हमने क्या बनाया है, एक इनपुट टेक्स्ट बनाया यानी कि एक एडिट टेक्स्ट बनाया, तो अभी आपको क्या करना है, दो एडिट टेक्स्ट बनाने हैं वन बाई वन। उसके नीचे बनाना है एक टेक्स्ट व्यू, सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू जिसका नाम होगा इनपुट वन, ठीक। नेक्स्ट होगा टेक्स्ट व्यू टू जिसका नाम होगा इनपुट टू, ठीक है। नेक्स्ट होगा, सॉरी एडिट टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट व्यू नहीं होंगे, ये होंगे एडिट टेक्स्ट। और ये थर्ड वाला होगा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और ये क्या होगा, मेनली हमारा होगा रिजल्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको यहां पर बटन होंगे, बटन वन जो होगा प्लस, बटन टू जो होगा माइनस, और यहां पर होगा बटन थ्री जो होगा मल्टीप्लाई, और एक होगा यहां पर बटन फोर, ये होगा आपका डिवाइड की, ठीक है गाइस। तो जिन स्टूडेंट को अभी समझ में आया कि हम बटन और एडिट टेक्स्ट बनाते कैसे हैं, तो वो सबसे पहले इस लेआउट को रेडी करें, देन मैं बाकी से बनवा ही रहा हूं। आईडी आप यही दें, एडिट टेक्स्ट वन को इनपुट वन, एडिट टेक्स्ट टू को इनपुट टू, और टेक्स्ट व्यू को रिजल्ट, और जो बटन वन है यानी कि प्लस, आप उसको PLUS प्लस दे सकते हैं, इसको माइनस, इसको मल्टी कह सकते हैं, और इसको डिव कह सकते हैं, ठीक है। जितनी शॉर्ट आईडी आप ले सकते हैं वो कर सकते हैं आप। इज दैट क्लियर गाइस? Thank you.
बटन के लिए जैसे मैंने कल आपको 3 बटन बनवाए थे, सेम एज इट इज आपको बटन्स बनाने हैं, और एक दूसरे में मार्जिन टॉप देनी है, मार्जिन राइट देनी है, मार्जिन लेफ्ट देनी है। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन राइट, ठीक है। ये आपको मार्जिन देने हैं हर बटन्स में, और टॉप मार्जिन आप दे सकते हैं जैसे यहां पर आप सब में 50 डीपी अभी कर लें, 50 डीपी मार्जिन आप असाइन कर सकते हैं, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। दैट क्लियर गाइज? तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो भी हो चुका है, चल चुका है। अभी थोड़ा सा और स्कैन हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी फिलहाल ऐसे बता दूं। इसे मेन चीज़ है गाइज, आपको समझ में चीज़ आनी चाहिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि लीनियर लेआउट सबसे बेसिक लेआउट होता है, इसमें आपको कुछ अलाइनमेंट वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ठीक है, ये हमारा एडिट टेक्स्ट से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। यस, टॉप लेफ्ट राइट तीनों 50 डीबी लेनी है, और जो आपका ये एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू जो है, इसमें आप डीपी की जगह एसपी लो। हॉरिजॉन्टल रो में कैसे अरेंज करना है, तो यहां पर मैं अभी फिलहाल वर्टिकल बात बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल अरेंज करना है तो आपको ओरिएंटेशन डिफाइन करना होगा हॉरिजॉन्टली, और एक लीनियर लेआउट अलग से बनाना होगा बटन्स के लिए। आई थिंक आप बटन्स के लिए यूज करना चाह रहे हो, हाँ। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका यानी कि जो आपका टेक्स्ट व्यू रिजल्ट वाला, उसके नीचे आपको बनाना होगा एक और लीनियर लेआउट, समझ रहे हो? मतलब पहले हमारा रूट लेआउट लीनियर, देन उसके अंदर हमारे तीन टेक्स्ट, दो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट और एक टेक्स्ट व्यू, उसके नीचे एक और लीनियर लेआउट, उसके अंदर आप अपने बटन्स बना सकते हैं। यस, लीनियर लेआउट, नेस्टेड लीनियर लेआउट हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक के अंदर एक। मार्जिन फ्रॉम टॉप 80 डीपी ले लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे इनपुट 1 टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको इनपुट 2 ET इनपुट 2, और यहां पर भी ET इनपुट 1। ओके,
सो अभी इतना हो चुका है, और हमें काम करते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। मार्जिन फ्रॉम टॉप यहाँ पर 20 dp, यस बिल्कुल यस। गौरांग गुप्ता आपने सही पूछा है कि आप सेम कोड का यूज कर सकते हो, सिर्फ आईडी का चेंज और नेम चेंज आप कर सकते हो। बिल्कुल यही शॉर्ट तरीका है, और ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके गाइज, अभी तक इतना समझ में आया? देखो गाइज मैंने यहाँ पर किया क्या, यहाँ पर सबसे पहले एक लीनियर लेआउट, देन उसके बाद एक मैंने बनाया एडिट टेक्स्ट। अभी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके नीचे मैंने एक और इनपुट टेक्स्ट बनाया इनपुट टू, और फिर मैंने यहाँ पर बना दिया रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट एडिट टेक्स्ट है, इसमें मैंने टेक्स्ट साइज 30 sp रखा है, पैडिंग मैंने रखी है राइट 20 dp, 20 sp कर देता हूँ मैं इसको भी, और मार्जिन फ्रॉम टॉप यहाँ पर मैंने रखी है 50 sp। ठीक है, जो आपका ये टेक्स्ट व्यू है और एडिट टेक्स्ट, इसमें आप sp यूज करें ज़्यादातर, और बटन में यूज करें dp, रेस्पॉन्सिवनेस में इफेक्ट कर देती है चीज। मार्जिन फ्रॉम टॉप मैंने बीच में रखी फिलहाल 20 dp, और बटन में हो सकता है मैं रखूँ 50 dp। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ लेआउट को, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा इसको। btn_+, ठीक है, मार्जिन फ्रॉम राइट 50 dp, और मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट ऑल्सो 50 dp। ठीक है, यहां पर टेक्स्ट असाइन कर देते हैं प्लस। ठीक है, और या फिर हम इसे लिख देते हैं ऐड। ओके, कॉपी कर लेंगे सिंपली इसको। तो अभी हमारे 4 बटन यहां पर बन चुके हैं, और यहां पर हम चेंज कर देते हैं सबकी बस आईडी माइनस, और यहां पर मल्टीप्लाई
आप खाली मल्टी भी यूज कर सकते हैं, और यहां पर हम कर देते हैं डिवाइड। यहां पर टेक्स्ट भी चेंज कर देगा हम सब में, मल्टीप्लाई, और यहां पर सब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इनके कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड हैश 000। और यहां पर हम कर देते हैं इसको टेक्स्ट साइज, सॉरी टेक्स्ट कलर करते हैं यहाँ पर। इतना हो चुका है गाइस सभी का। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये जो आपके बटन्स हैं ये इनका मतलब पूरा का पूरा बैकग्राउंड लेआउट अलग हो, तो उसके लिए आप एक लीनियर लेआउट और बना सकते हैं और जिसमें ये आप बटन्स को रख सकते हैं। मैं काम करता हूँ टेक्स्ट व्यू के नीचे, और यहाँ पर मैं एक लीनियर लेआउट बना लेता हूँ। लीनियर लेआउट मैच पैरेंट, और यहाँ पर मैं कर दूंगा मैच पैरेंट। ठीक है, ओरिएंटेशन में कर दूंगा यहाँ पर वर्टिकल, बैकग्राउंड में यहाँ पर कर दूंगा ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं मार्जिन ले लूँगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप 30 dpi। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो चुकी है। और हम एक काम करते हैं, अब गाइस देखो जो हमारे बटन्स थे, सबसे पहले मैंने स्मॉल कर लेते हैं इस तरह से कोड को, और इन चारों बटन को देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हमारे चार बटन हैं। इन चारों बटन को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और बैक स्पेस से यहाँ से कट कर देंगे, और इस लीनियर लेआउट के अंदर इन बटन को पेस्ट कर देंगे। देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और अब यहां पर हम इनके कलर्स को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड हैश 000।
और यहाँ पर हम कर देंगे टेक्स्ट कलर, अभी टेक्स्ट कलर ये प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, हम एक काम कर रहे हैं इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, टेक्स्ट साइज 40 dp, 30 dp और अगर हम करते हैं 20 dp, ठीक है 20 dp में सही है, सही नज़र आ रहा है। ओके अब ये जो है तीन लाइन को मैं तीनों कॉपी कर लूँगा और सबका कलर मैं एक जैसा कर दूंगा, कंट्रोल सी, और एक बार वाइट ट्राई करके देखते हैं इसको येलो से, क्योंकि गाइस अभी जो मतलब कंफ्यूजिंग आप देख सकते हो कि चीज़ें जो कंफ्यूजिंग हमें लगते हैं यूआई, हम क्या कलर रखें क्या कलर ना रखें, तो गाइस उसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपको सबसे पहले एक डॉक तैयार कर लेनी चाहिए अपने एडोब डॉक जिसमें आपके यूआई रेडी हो, देन आप इजीली आराम से कोड कर सकते हो, कोड के बीच में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कलर क्या रखें क्या ना रखें। सो ठीक है गाइस, आपने ओरिएंटेशन असाइन नहीं किया होगा रुपिंद्रजीत सिंह, आपने ओरिएंटेशन असाइन नहीं किया होगा, एक बार ओरिएंटेशन आप असाइन करो तब आएंगे बटन्स। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा एक कंप्लीट लेआउट कैलकुलेटर के लिए बन चुका है। सर न्यू लीनियर लेआउट में बटन्स नहीं आ रहे हैं, गाइस कंप्लीट हो चुका है इतना। देखो अभी आपने क्या किया होगा, मिस्टेक में बताता हूं आपकी, अभी आपने क्या होगा इस कुछ इस तरह से लीनियर लेआउट यहां पर आपने क्लोज कर दिया होगा, मतलब स्लैश लगा दिया होगा, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं इसे एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा इसे मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार,
आई थिंक ज़्यादा छोटा हो गया। एटीन डी बी इतना सही है। देखो गाइज, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लीनियर लेआउट बनाने रूट, उसके नीचे एक एडिट टेक्स्ट बनाना है कुछ इस तरह से। एडिट टेक्स्ट में हमने यहाँ पर टेक्स्ट साइज 30 SP रखा है, पैडिंग 20 SP, मार्जिन 50 SP, ठीक। उसके नीचे हमने एक और एडिट टेक्स्ट बनाया जिसका हमने आईडी दिए इनपुट टू, मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 SP, टेक्स्ट साइज 30 SP, पैडिंग राइट 20 SP, ठीक है। हमारे दो एडिट टेक्स्ट बन गए। और अब हमने उसके नीचे बनाया है एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हमने मैच पैरेंट एंड रैप कंटेंट हाइट और विड्थ रखी है। टेक्स्ट साइज यहां पर 30 SP, मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 dp एंड पैडिंग राइट 20 dp। गाइस यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसके नीचे देखो, अगर आपको कलर चेंज करना है, यानी जिसमें आपने बटन बनाए हैं उसके बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, तो आपको उस पोर्शन में एक और लेआउट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मैं यहाँ पर आपको एक बार पेंट में दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा था एक स्क्रीन, इसके ऊपर हमने एक लीनियर लेआउट लगा दी कंप्लीट पर, मैच पैरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक बनाया अपना एडिट टेक्स्ट जो कि इनपुट वन के लिए, फिर बनाया एक और अपना दूसरा एडिट टेक्स्ट जो कि इनपुट टू के लिए, फिर बनाया हमने यहाँ पर एक अपना क्या एक रिजल्ट के लिए टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, मार्जिन देकर कुछ यानी कि 20 dp के आसपास मार्जिन हमने दी, और फिर हमने एक लीनियर लेआउट बनाया इतना बड़ा है नीचे तक, जिसकी हमने हाइट और विड्थ मैच पैरेंट ही रखी है। ये सारा क्या है गाइस, आप देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है एक हमारा लीनियर लेआउट जो हमने ये वाला बनाया है। ये जो हमने दूसरा लीनियर लेआउट बनाया ना, ये वाला लीनियर लेआउट है, और मार्जिन फ्रॉम टॉप हमने दिए 30 dp। ठीक है, और इसका मैंने कलर यहां पर चेंज कर दिया ब्लैक कंप्लीट का। ओके, अब मैंने क्या किया यहां पर, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट भी बनाया अपने, टेक्स्ट व्यू, सॉरी यहाँ पर बटन बनाए, यहाँ पर चार बटन बना लिए, तो सिंपली आपको एज इट इज चार बटन बनाने हैं लीनियर लेआउट में। तो यही हमने यहाँ पर किया है, देखो लीनियर लेआउट, ठीक है। उसके अंदर हमने बनाया एक बटन, टेक्स्ट साइज 20 dp, मार्जिन राइट 50, लेफ्ट से भी 50 dp हमने रखी है, बाकी जो टेक्स्ट का साइज वो 20 dp रखा है, और मार्जिन फ्रॉम टॉप रखी है 40 dp। ये एक और बटन नेक्स्ट जिसका नाम हमने माइनस रखा है, तो सेम एज इट इज आपके सारे बटन बनेंगे, आपको सिर्फ आईडी वगैरह चेंज करनी है। बन चुका गाइस सभी का?